सब्सक्राइब कीजिए सरल घरेलू नुस्खे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरल घरेलू नुस्खे में। दोस्तों, हम अपने चेहरे का ख्याल रखते रखते अपने पैरों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, जिसके कारण हमारी एड़ियों की स्किन मृत कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। दोस्तों, पैरों के तलवे वाली त्वचा में तेल की ग्रंथियां नहीं होती, सिर्फ पसीने वाली ग्रंथियां ही होती हैं। किसी कारण से पैरों की पसीने वाली ग्रंथि सुचारू रूप से काम नहीं कर पाती, तो नमी कम हो जाने पर एड़ियों की त्वचा बेजान, सूखी और खुरदरी होकर फटने लगती है। ये फटी हुई त्वचा ही एड़ी फटना या बिवाइयां कहलाती है। दोस्तों, एड़ियों का फटना तो नुकसानदेह नहीं होता है, मगर हाँ, अगर यही फटी हुई दरारें गहरी हो जाती हैं तो इनमें दर्द होने लगता है, जिसके कारण व्यक्ति को चलने में दिक्कत होती है। कभी कभी तो इन्हीं दरारों में से खून भी बहना शुरू हो जाता है। अगर इसका निवारण सही समय पर ना किया जाए, डायबिटीज यानी कि मधुमेह की समस्या इसे और भी अधिक बिगाड़ सकती है। दोस्तों, प्राकृतिक रूप से शुष्क त्वचा, अधिक देर तक पानी में कार्य करना, पौष्टिक खान पान की कमी, ज्यादा उम्र का होना, अधिक वजन के कारण तलवों का अधिक फैलना, घर या बाहर रोज देर तक खड़े रहना, कठोर फर्श पर नंगे पांव अधिक घूमना, किसी बीमारी के चलते जैसे कि एक्जिमा, डायबिटीज, थायराइड आदि के कारण एड़ी फटने या बिवाइयां होने की समस्या हो सकती है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको फटी एड़ियों की समस्या को दूर करने का उपाय बता देता हूँ। लेकिन दोस्तों, नुस्खे को बताने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल सरल घरेलू नुस्खे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को भी दबा दीजिए। सरल घरेलू नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों। सब्सक्राइब करने से और बगल के बेल आइकन को दबाने से आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको चाहिए 1 चम्मच गुलाब जल। जी हाँ दोस्तों, आपको 1 चम्मच गुलाब जल ले लेना है। तो दोस्तों, ये मैं 1 चम्मच गुलाब जल ले लेता हूँ। ऐसे आपको 1 चम्मच गुलाब जल ले लेना है। अब दोस्तों, आपको चाहिए 1/2 चम्मच ग्लिसरीन। जी हाँ दोस्तों, आपको 1/2 चम्मच ग्लिसरीन भी इसमें मिला लेना है। तो दोस्तों, ये मैं 1/2 चम्मच ग्लिसरीन इसमें मिला लेता हूँ। इस तरीके से आपको 1/2 चम्मच ग्लिसरीन इस तरीके से आपको इसमें मिला लेना है। अब दोस्तों, आपको इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेता हूँ। बस दोस्तों, अब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब मैं आपको इसका प्रयोग बता देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी एड़ियों को अच्छी तरीके से धो लीजिए। उसके बाद आप इसे अपनी एड़ियों पर अच्छे से लगा लीजिए। 15 से 20 मिनट तक अपनी एड़ियों पर इसे लगे रहने दीजिए। इसके बाद आप गुनगुने पानी से अपनी एड़ियों को धो लीजिए। कुछ दिनों तक दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत जल्दी ही आपकी फटी एड़ियां भर जाएंगी और कोमल भी बन जाएंगी, क्योंकि दोस्तों, यह नुस्खा आपकी एड़ियों को नमी प्रदान करता है। दोस्तों, इस नुस्खे का प्रयोग करने से पहले अपनी एड़ियों को आप अच्छी तरीके से साफ जरूर कर लीजिएगा और सूखने के बाद ही आप इस नुस्खे का प्रयोग करिएगा। दोस्तों, ये बहुत ही कारगर नुस्खा है। अगर आपकी एड़ियां फट गई हैं तो आप इस नुस्खे का प्रयोग करिए। कुछ दिनों के प्रयोग के बाद आपकी फटी हुई एड़ियां कोमल और मुलायम हो जाएंगी। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको आज की टिप्स भी बता देता हूँ। रात को सोने से पहले एड़ियों को अच्छे से साफ करके हल्के गर्म नारियल के तेल से हल्की हल्की मसाज करने से पैरों की थकान कम हो जाती है। मसाज के बाद जुराब यानी कि मोजे पहन लें। इस नुस्खे को लगातार करने से भी आपकी एड़ियां मुलायम हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना ऐसे ही नए नए घरेलू नुस्खे लेकर के आता रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे कल एक और नए घरेलू नुस्खे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।